तो दोस्तों एबीसी कोचिंग यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैक बोर्ड कक्षा 12वीं के आर्ट्स और कॉमर्स का रिजल्ट को लेकर एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ सामने आई है। साथ ही दोस्तों क्लास 8, 9th और 11th के रिजल्ट को लेकर जितने भी विद्यार्थी इंतजार कर रहे हैं, तो दोस्तों आप सभी का इंतजार अब जल्द ही खत्म होने को है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल अर्थात जैक बोर्ड की तरफ से कक्षा 12वीं के आर्ट्स और कॉमर्स वालों का रिजल्ट कब तक जारी किया जाएगा, इसको लेकर ऑफिशियल अपडेट जारी कर दी है। साथ ही 8वीं, 9वीं, 11वीं वालों का रिजल्ट जो है किस दिन आएगा, इसका भी ऑफिशियल अपडेट आ चुका है, जो कि इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो सभी छात्र जो है अंत तक बने रहिएगा। वीडियो इंफॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों अपडेट की ओर चलते हैं। तो देखिए बच्चों, आप हमारे स्क्रीन पर देखें, लिखा है कि 31 तक जारी होगा इंटर कला व वाणिज्य का रिजल्ट। यानी कि दोस्तों इंटर आर्ट्स और कॉमर्स वालों का जो रिजल्ट है वो 31 मई तक में जो है जारी कर दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों मैंने आपको जैसे बताया था पहले ही कि आप लोगों का जो है ना 27 या 28 मई को ही आप लोगों का इंटर आर्ट्स और कॉमर्स वालों का रिजल्ट जो है जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे मैं बताता हूं। यहां पे देखिए क्या कुछ लिखा है। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैट्रिक और इंटर साइंस वालों का जो रिजल्ट जारी हुआ है वो बहुत ही जबरदस्त आप लोगों का इस बार जो है रिजल्ट रहा है। मैट्रिक में जो है 95.37%, यानी कि लगभग जो है 95.38% जो है विद्यार्थी जो है पास हुए हैं। यानी कि इस बार रिजल्ट काफी ताबड़तोड़ रहा है, रिकॉर्ड तोड़ रिजल्ट रहा है। और साइंस वालों का दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 81 लगभग जो है कह सकते हैं कि 82% जो है रिजल्ट जो है आप लोगों का रहा है, जो कि बहुत ही मस्त रहा है। काफ़ी पिछले वर्ष की तुलना में, 2-3 ईयर्स की तुलना में आप देखें तो इस बार जो आप लोगों का रिजल्ट जो है काफ़ी मस्त रहा है। और इस बार जो है साइंस का तो रिजल्ट जारी हो गया, आर्ट्स और कॉमर्स वालों का जो रिजल्ट है ना वो भी बहुत ही मस्त आने वाला है, बहुत ही ज़बरदस्त आप लोगों का रिजल्ट रहने वाला है। ठीक है, देखिए बच्चों आगे यहाँ पे साफ साफ दिया गया है कि इंटरमीडिएट कला व वाणिज्य संकाय का रिजल्ट जो है वो 31 मई तक जारी कर दिया जाएगा। दोनों रिजल्ट 28 मई के बाद जारी होने की संभावना है। यानी कि दोस्तों यहाँ पे बताया गया है कि आप लोगों का 28 मई तक में आप लोगों का रिजल्ट जो है प्रकाशित कर दिया जाएगा, यहाँ पे संभावना बताई गई है। लेकिन दोस्तों जैक ने पहले ही अपडेट ये दिया था, ऑफिशियल एक अपडेट दिया था, उन्होंने कहा था कि मैट्रिक और इंटर साइंस वालों का रिजल्ट जारी करने के 5 दिन बाद जो है आर्ट्स और कॉमर्स वालों का रिजल्ट आ सकता है। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे यहाँ पे देखिए। दोस्तों झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने जो है इसकी तैयारी जो है शुरू कर दी है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे लेट होने का कारण यही है कि आपका जो है रीचेकिंग चल रहा है, जो कि आपका कॉपी का आर्ट्स वालों का और कॉमर्स वालों का जो कॉपी चेकिंग हुआ है उसका जैक बोर्ड का जो ऑफिशियल वेबसाइट है ना उस पर जो है पोर्टल तैयार किया जा रहा है, उस पर आपका मार्कशीट जो है अपलोड की जा रही है, इसलिए यहाँ पे थोड़ी सी लेट हो रही है। साथ ही बच्चों मैं आपको बता दूं कि 8वीं, 9वीं, 11वीं विद्यार्थियों के लिए भी बहुत बड़ी गुड न्यूज है, जो कि आप हमारे स्क्रीन पर यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं कि जून में जो है 8वीं, 9वीं, 11वीं का बोर्ड रिजल्ट जारी होगा। यानी दोस्तों आप लोगों का अभी यहाँ पे सवाल ये आ रहा होगा, आपके मन में सवाल या डाउट उपना पड़ा होगा कि 8वीं, 9वीं, 11वीं वालों का किस तारीख में जो है, किस डेट पर जो है आप लोगों का रिजल्ट जारी होगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जून महीने में, ठीक है, जून महीने में 7 या 8 जून को जो है आप लोगों का रिजल्ट जो है आ सकता है, जो ये कि संभावित डेट पहले ही जैक के चेयरमैन ने दिया हुआ था। तो इसको आप लोग जो है अच्छे से याद रखिएगा कि 7 या 8 जून को जो है 8वीं, 9वीं, 11वीं वालों का रिजल्ट जो है आ सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो इंफॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। साथ ही दोस्तों 8वीं, 9वीं, 11वीं वालों का रिजल्ट जैसे ही आएगा उसका जो है रिजल्ट चेकिंग का प्रोसेस कुछ अलग ही तरीके से होने वाला है, उसका फुल वीडियो मैं आप लोगों को जल्द ही प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।